हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर 7 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द फिलामेंट। एंथर का जो अटैचमेंट फिलामेंट से होता है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द फिलामेंट इन ए स्टेमेन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। तो जो ये एंथर का बेटा अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द फिलामेंट टू द फिलामेंट इन ए स्टैमेन इन ए स्टैमेन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, इसका मतलब है बेटा कि जो एंथर का अटैचमेंट फिलामेंट से होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो हमारा स्टेमन है उस स्टेमन के तीन थ्री पार्ट्स होते हैं, एक हमारा एंथर है, एक कनेक्टिव्स है और एक फिलामेंट है। तो उस आधार पे हम देखें तो पहला जो हमारा अटैचमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड ये पहला अटैचमेंट है, और इसमें हम कैसे बताते हैं आपको, द फिलामेंट आर अटैच्ड टू द बेस ऑफ द एंथर। इसमें जो एंथर है वो अटैचमेंट करेगा फिलामेंट से, किसमें, बेस के आधार पे, अपने आधार से। तो द फिलामेंट ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, द फिलामेंट द फिलामेंट्स आर अटैच्ड द फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू द बेस ऑफ द टू द बेस ऑफ द एंथर। तो इस आधार पे हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अटैचमेंट इसका बना हुआ है। अब इसका अगर हम देखें कि द फिलामेंट आर अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर, इसको हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक फिलामेंट है और इस प्रकार से ये एंथर है। तो इस एंथर का जो अटैचमेंट फिलामेंट से है वो बेस से है, पूरा बेस आधार जिसको बोलते हैं उस आधार पे बना हुआ है। तो ऐसे हम फिलामेंट को या ऐसे एंथर को हम क्या नाम देते हैं, बेसीफाइड, बेसी फिक्स्ड। तो जब फिलामेंट अटैच्ड होता है एंथर के बेस से तो उसको बेसी फिक्स्ड हम कहते हैं। और इसका बेटा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एक मेन एग्जाम्पल है ब्रेसिका। ब्रेसिका जिसमें मस्टर्ड को रखा गया है, मस्टर्ड फैमिली, उसमें एक एग्जाम्पल आता है ब्रेसिका। तो ब्रेसिका में आप देखेंगे कि इस प्रकार का ये पूरा हमारा स्टेमन है, और इस स्टेमन में ये पार्ट होता है हमारा एंथर, ये होता है हमारा फिलामेंट, और इसको बेटा बोलते हैं कनेक्टिव्स। तो इस प्रकार से ये अटैच होता है तो इसको बोलते हैं हम बेसी फिक्स्ड। अब एक दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा होता है एडनेट।
एडनेट, ये दूसरा प्रकार का इसका टाइप्स है, किस आधार पे ये हमारा एंथर है वो कैसे अटैच हो रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फिलामेंट एक्सटेंड्स द फिलामेंट्स एक्सटेंड्स द फिलामेंट एक्सटेंड्स थ्रू द थ्रू द होल लेंथ ऑफ द एंथर, थ्रू द होल लेंथ ऑफ द एंथर। फ्रॉम बेस टू द एपेक्स। तो इसकी बेटा एग्जाम्पल है मिचीलिया, इसका एग्जाम्पल है MICHELIA। तो इसमें क्या है, ये दूसरा टाइप से हम इसका एडनेट का, द फिलामेंट एक्सटेंड थ्रू द होल लेंथ ऑफ द एंथर। तो इसको अगर हम देखें एडनेट का, तो इसका डायग्राम ये जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार सा, ये फिलामेंट है इस प्रकार से, ऐसे ये लगा होता है इस प्रकार से, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडनेट। तो पूरा क्या है कि द फिलामेंट एक्सटेंड थ्रू द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम बेस टू द एपेक्स। तो बेस और एपेक्स, ये पूरा अंदर से पूरा फिलामेंट चला गया यहां एपेक्स तक। तो इस प्रकार के हम एंथर को हम क्या कहेंगे, एडनेट टाइप। तो दूसरा हमने बताया कि बेटा ये इस प्रकार का रहता है। तीसरा होता है डॉर्सी फिक्स्ड, ये क्या चीज है जरा इसको भी देख लें, डॉर्सी फिक्स्ड। तीसरा होता है डॉर्सी फिक्स्ड, इसको कैसे बेटा दिखाएंगे, द फिलामेंट इज द फिलामेंट इज अटैच्ड द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर, टू द बैक ऑफ द एंथर। तो इस प्रकार का जो अटैचमेंट है उसको डॉर्सी फिक्स्ड कहते हैं। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर, एंथर के बैक से वो फिलामेंट अटैच्ड होता है, तो उसको बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। तो अब अगर इसको हम देखें, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा फिलामेंट है इस प्रकार से, ये ऐसे अटैच होता है, ये तो इसको बेटा बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। तो इस प्रकार से तीसरा हमने ये बताया। अब चौथा होता है बेटा वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का क्या मतलब है इसको भी देख लेते हैं।
द फिलामेंट इज अटैच्ड द फिलामेंट इज अटैच्ड द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर बैक ऑफ द एंथर एट ए सिंगल पॉइंट एट ए सिंगल पॉइंट सो दैट द सो दैट द एंथर कैन सोइंग फ्रीली द एंथर कैन स्विंग फ्रीली इसका एग्जाम्पल है बेटा यूकेलिप्टस इसका एग्जाम्पल क्या है यूकेलिप्टस और ग्रासेस तो यूकेलिप्टस और ग्रासेस में इस प्रकार सा पाया जाता है। अब इसका अगर हम देखें तो इस प्रकार से इसका बेटा डायग्राम होता है। जैसे ये मान लीजिए ये एक फिलामेंट है ये इस प्रकार से एंथर है इसका ये इस प्रकार से इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। तो हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा एंथर है वो फिलामेंट से कैसे अटैच हो रहा है इसके आधार पे हमने आपको चार प्रकार के ये बताया बेसी फिक्स्ड एडनेट डॉर्सी फिक्स्ड और वर्सेटाइल विथ एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो गाइनोसियम है हमारा क्योंकि ये तो पार्ट जो चल रहा था एंड्रोसियम का था। अब हम लोग आते हैं गाइनोसियम वाले पार्ट में तो इसको जरा देखें कि किस प्रकार का है बेटा। अब इसको अगर हम लोग देखें कि किस प्रकार से गाइनोसियम क्लासिफिकेशन ऑफ गाइनोसियम की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ गाइनोसियम क्लासिफिकेशन ऑफ गाइनोसियम की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से देखें कि कैसे जो गाइनोसियम है उस गाइनोसियम को कैसे हमने डिवाइड किया है। तो आपको पता है कि गाइनोसियम क्या है एक फ्लावर का बेटा फीमेल पार्ट है और जो भी गाइनोसियम है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपको पता है स्टिग्मा एक होती है स्टाइल और एक होता है ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये तीन पार्ट्स होते हैं गाइनोसियम के। तो इसको भी हम दो रूपों में डिवाइड करते हैं गाइनोसियम को। गाइनोसियम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला हमारा होता है बेटा एक होता मोनोकार्पलरी ओवरी मोनोकार्पलरी ओवरी मोनोकार्पलरी ओवरी इसका क्या मतलब है द गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन कार्पल्स। इसका मतलब क्या है द गाइनोसियम
ये पहला हेडिंग है मोनोकार्पलेरी ओवरियम बता रहे हैं आपको, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे द गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन कार्पल्स, अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है पी, मटर वाले जितने भी हमारे प्लांट हैं उनमें जो गाइनोसियम होती है वो जो फीमेल पार्ट होता है, जो ओवरी होता है वो कैसा होता है, मोनोकार्पलेरी ओवरी, तो द गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन कार्पल्स, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलेरी बेटा। अब जिसमें पी को रखा गया है, पी मतलब है फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, तो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी में जो ये पी प्लांट आते हैं उनमें ये जो ओवरी पाई जाती है मोनोकार्पलेरी ओवरी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक इस प्रकार की ओवरी है और इसको बोलते हैं मोनोकार्पलेरी ओवरी, इस प्रकार से यहां ओव्यूल होता है ये, तो ये हमारा हो जाएगा लोक्यूल और ये हो जाएगा ओव्यूल, ये ओव्यूल और अंदर की ओर ये लोक्यूल, तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पलेरी ओवरी। अब दूसरा बेटा जो होता है हमारा वो होता है कंपाउंड या मल्टी कार्पलेरी, कंपाउंड या मल्टी कार्पलेरी ओवरी, मल्टी कार्पलेरी ओवरी, तो इस प्रकार से इसमें कैसे द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पल्स, इसमें क्या है द गाइनोसियम, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पल्स, तो अब क्या है इसमें द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पल्स, मतलब क्या है कि बहुत सारी इसमें जो गाइनोसियम है वो कार्पल्स के आधार पे बहुत सारे हैं, जैसे बाई कार्पलेरी है, ट्राई कार्पलेरी है, टेट्रा कार्पलेरी है, पेंटा कार्पलेरी है, तो इसको जैसे अगर हम देखें तो ये जो कंपाउंड या हमारी मल्टी कार्पलेरी ओवरी है तो ये अलग अलग पार्ट्स में फिर डिवाइड है। जैसे पहला ए नंबर हम बात करें तो होता है बेटा बाई कार्पलेरी ओवरी, बाई कार्पलेरी। अब क्या है कि गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ टू कार्पल्स, इसमें क्या है जैसे मान लीजिए ये एक ओवरी है कैसी, बाई कार्पलेरी, ये है, तो ये क्या है बाई कार्पलेरी ओवरी है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ टू कार्पल्स, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ टू कॉर्पल्स, तो गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ टू कॉर्पल्स, और इसका बेटा एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर, कोरिएंडर धनिया में, तो कोरिएंडर में अगर हम देखें तो इस प्रकार से गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ टू कार्पल्स। एक बेटा होता है इसी का दूसरा पार्ट है ट्राई कार्पलेरी, मल्टी कार्पलेरी का पहला पार्ट हो गया बाई कार्पलेरी, अब होता है ट्राई कार्पलेरी,
तो ट्राई कार्पलिप क्या है? गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ थ्री कार्पल्स। इसमें आप बताएंगे गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ थ्री कार्पल्स। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ थ्री कार्पल्स। इसका बेटा एग्जाम्पल है एलियम सीपा, ओनियन में, प्याज में, इसको हम देख सकते हैं एलियम सीपा। ये ओनियन का बॉड का नेम है एलियम सीपा। तो इसमें कैसी ओवरी है? ट्राई कार्पलरी। अब इसके बाद तीसरा होता है टेट्रा कार्पलरी। टेट्रा कार्पिलरी, टेट्रा कार्पलरी बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ फोर कार्पल्स। यहां लिख दीजिए गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ फोर कार्पल्स। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ फोर कार्पल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बेटा बर्बेरिस। इसका एग्जाम्पल है बर्बेरिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? बर्बेरिस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कैसा है, ये हमारा टेट्रा कार्पलरी ओवरी है। अब अगला हम देखें अगर डी नंबर पेंटा कार्पलरी। बेटा पेंटा कार्पलरी, पेंटा कार्पलरी इसमें क्या है? गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ फाइव कार्पल्स। तो इसको लिख सकते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ फाइव कार्पल्स। अब पेंटा कार्पलरी इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। हिबिस्कस गुड़हल में अगर आप देखें तो उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। तो इसको बोलते हैं पेंटा कार्पलरी। अगला ई नंबर होता है बेटा मल्टी कार्पलरी। अगला होता है मल्टी कार्पलरी। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पल्स। इसको आप लिख सकते हैं गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पल्स। तो गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पल्स, ये क्या है? मल्टी कार्पलरी। और इसका बेटा एग्जाम्पल है पैपेवर। पैपेवर इसका पूरा होता है पैपेवर सोमनीफेरम। तो पैपेवर में अगर हम देखें तो इसमें कैसी होती है ओवरी? मल्टी कार्पलरी ओवरी होती है। इसको बोलते हैं पैपेवर सोमनीफेरम। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसके कई टाइप्स हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इसमें ओवरी पाई जाती है। और अब ये जो मल्टी कार्पलरी बेटा गाइनोसियम है, तो मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ कार्पल्स। तो जो कार्पल्स है हमारे, इसके फ्यूजन के आधार पे ये जो मल्टी कार्पलरी ओवरी है ये भी दो प्रकार की होती है। एक बेटा होती है एपो कार्पस और एक होती है सिनकार्पस। तो ये भी जो हमारी होती है दो प्रकार की होती है। इसको अगर हम लिखें तो पहला हमारा होता है
एपोकार्पस। ये फ्यूजन आप कार्पल्स के आधार पे है बेटा। पहला जो मल्टी कार्पली ओवरी है, फ्यूजन आप कार्पल्स के आधार पे दो प्रकार की फिर डिवाइड है। तो एक होती है एपोकार्पस, एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या है, इन द कंडीशन ईच कार्पल्स इज फ्री फ्रॉम द एंथर। तो आप लिख सकते हैं, यहां पर आप बता सकते हैं, इन दिस कंडीशन ईच कार्पल्स इज फ्री फ्रॉम द अदर। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या है, रैनन्कुलस। इन दिस कंडीशन ईच कार्पल्स इज फ्री फ्रॉम द अदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। इसका एग्जाम्पल है रैनन्कुलस में, अगर हम देखें तो उसको एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। अब दूसरा, इसमें जो दूसरी फिर ओवरी एक होती है, इसको बोलते हैं सिनकार्पस। इसको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। अब सिनकार्पस को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस केस कार्पल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड गाइनोसियम इसका बेटा एग्जाम्पल होता है मुख्य रूप से, इन दिस केस कार्पल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड गाइनोसियम। तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो हिबिस्कस है, दूसरा है बेटा ब्रेसिका, और तीसरा है सोलेनम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दो प्रकार की ओवरी है, ये मल्टी कार्पलरी ओवरी, जिसमें जो हमारा कार्पल्स है उसके फ्यूजन के आधार पे दो प्रकार का हमने बताया, एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी किस प्रकार की इसमें पाई जाती है। तो ये बेटा जो बात चल रही थी, ये अभी ओवरी की बात चल रही थी। चूंकि जो हमारा गाइनोसियम का पार्ट है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो हमने ओवरी किस आधार पे है वो मैंने ओवरी आपको बताई कि ओवरी का कैसे क्लासिफिकेशन है। पहला आपको बताया मोनोकार्पलेरी ओवरी और दूसरा हमने बताया मल्टीकार्पलेरी ओवरी। तो जो हमारा ये कंपाउंड या मल्टीकार्पलेरी ओवरी है, ये भी कई प्रकार की ओवरी थी जिसके बारे में हमने बात की। पहली थी हमारी मोनोकार्पलेरी और दूसरी थी कंपाउंड या मल्टीकार्पलेरी। तो मल्टीकार्पलेरी के आधार पर हमने बताया बाईकार्पलेरी, ट्राईकार्पलेरी, टेट्राकार्पलेरी, पेंटाकार्पलेरी। और जो मल्टीकार्पलेरी है वो फ्यूजन ऑफ कार्पल्स के आधार पर फिर दो भागों में डिवाइड हो गई है, एपोकार्पस और सिनकार्पस बेटा। तो ये अभी तक हमने आपसे बात किया कि ये ओवरी की। अब अगला पार्ट आता है हमारा कि जो पोजीशन ऑफ स्टाइल है वो किस आधार पे है, और जो ओवरी है हमारी सुपीरियर है या
इन्फीरियर है या सेमी सुपीरियर है, ये बेटा क्या है, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में बेटा बात करेंगे, लेक्चर 8 में। तो इतना जो मैंने बताया इसको ध्यान से आप समझिएगा, और नोट्स को भी अपने विथ डायग्राम बेटा आप जो है इसको कॉपी में बना लेंगे। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।